केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दंगल करीब आ चुकी है और जैसे जैसे चुनाव करीब आती जा रही है, उम्मीदवारों में तनाव भी दिखता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ओमकार झा पहुंचे नगर पंचायत नरपतगंज वार्ड नंबर 13, जहां उनकी खास बातचीत हुई है वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी राम कुमार यादव से। आइए जानते हैं कैसी चल रही है राम कुमार यादव की चुनाव की तैयारी, ओमकार झा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओमकार झा। बिहार में चुनावी दंगल चल रहा है, चुनावी माहौल है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव होना है। पहला मतदान 18 को हो चुका है, अब दूसरा मतदान 28 को होना है, जिसकी मतगणना 30 को होगी। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ अररिया जिला के नरपतगंज में है, जो अभी अभी नगर पंचायत बना है, और यहाँ पे मेरी मुलाकात राम कुमार यादव जी से हुई। इनसे ही जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं और इतने कम उम्र में ही चुनावी मैदान में क्यों कूद गए, राजनीति में क्यों आए, क्या करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार यादव हुआ। वार्ड नंबर 13 का मैं प्रत्याशी हूँ वार्ड पार्षद से। बहुत अच्छी बात। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव कुछ एरिया का या समाज का जो समस्या देख के हमें लगा क्या कि वार्ड में ऐसा व्यक्ति और ऐसा छवि आना चाहिए जो एरिया का विकास कर पाए। यहाँ एरिया में किसी भी जनता को अपना हक और अधिकार पता ही नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या इस एरिया में ये है कि जो भी जनता अगर किसी भी नेता को सिलेक्ट करते चुनते हैं, वो खुद नेता को खुद नहीं अधिकार और हक लॉ कानून पता है। और इस एरिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जितने भी जनता है उनको नॉलेज का अभाव है। अगर अच्छे नेता चुनते हैं या फिर अच्छे कैंडिडेट को चुनते हैं जिसको नॉलेज हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो ही एरिया डेवलप कर पाएंगे। अगर हम कोई ऐसा अंगूठा छाप या जो नेता अपने आप को बड़ा कहता हो कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, और जीतने के बाद 5 साल तक वो किसी छोटे के दरवाजे में पैर नहीं रखते, कदम नहीं रखते। मेरा जनता से इतना ही अपील है कि जिस किसी को भी चुने, वो ऐसा कैंडिडेट चुने कि वो अपना बेटा, भाई, पोता इस टाइप से चुने कि वो कल के डेट में हाथ पकड़ के भी काम करवा ले, चार बात करके भी काम करवा ले, और जो योग हो उसको अपने इच्छा से बटन जाके दबा के, और ऐसा मतलब सरकार या जो भी कैंडिडेट हो ऐसा वार्ड में हो या फिर मुख्य पार्षद हो या पार्षद हो, ऐसा वार्ड में लाए कि एरिया का विकास हो पाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। अब हम जानना चाहते हैं, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ की जनता आपको अपना वार्ड पार्षद बनाती है, तो आपके द्वारा जनता के हित में क्या क्या काम होगा? 5 काम ऐसे बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। देखिए, सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि अभी हमारे एरिया में कुछ जगह है, अभी तो खैर रात हो चुकी है, नहीं तो हम आपको ले चलते उस जगह में, कुछ एरिया ये मार्केट है, ये गांव नहीं है, टाउन है। इस टाउन में अभी इतना घर पिछड़ा हुआ है कि वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी सरकार थी या फिर जो भी वार्ड में था या फिर पंचायत में था, वो कहाँ सोई हुई थी? आखिर किसी को आवास घर क्यों नहीं मिले? अभी तक जितना भी है वो अपने सरकारी योजना से वंचित है, किसी को अभी तक नहीं मिले। यहाँ होती क्या है, सबसे बड़ी समस्या है, गलत नेता को आप चुनिएगा तो सबसे गलत नेता वो अपना जो भी फंड आता है वो जनता को कोई किसी भी के लाभ नहीं दे पाते हैं जी। तो वो सबसे पहले इसलिए कि कुछ ऐसा नेता गला है जो जनता के लिए, हक के लिए लड़े, जनता का दुख दर्द महसूस करे और जनता के साथ रह पाए। सबसे बड़ा समस्या ये है कि जनता आंख खोले और ऐसा कैंडिडेट को चुने जो उसका दर्द महसूस कर पाए। बहुत अच्छी बात। राम कुमार जी, आप सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा कि सबसे पहले युवाओं के लिए इस एरिया में जितने भी नशा या फिर और भी कुछ चल रही है जिसके कारण युवा की फ्यूचर और भविष्य खराब हो रही है, उस पर हम लगाम लगाएंगे, ठीक ना। जितना भी इस एरिया में ड्रग डीलर है या फिर जो भी दारू है या जो भी सप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं प्रशासन से अनुरोध करके उन सब पे रोक लगाएंगे। यहाँ तो प्रशासन ही खुद यहाँ मिली भगत है, तो यहाँ बंद होगी कैसे? यहाँ तो पूरा बिहार में कहती है नशा मुक्त है, नशा मुक्त है, लेकिन यहाँ घर घर में देखिए हर जगह नशा होता है। तो सबसे पहले युवाओं के लिए मैं यही रहेगा कि नशा से लोगों को मुक्त करेंगे और ये अपना भविष्य और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ पाए, अपना फ्यूचर बना पाए, पढ़ लिख पाए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे युवा है, अगर आप रोड पे निकलिएगा ना अच्छे घर का,
ठीक ना, अच्छे घर का अगर वो रोड पे देखेगा वो झूमते हुए चल रहा है, अगर वो एक दिन नशा नहीं करे तो वो समझ लीजिए कि वो मर जाएगा। और एक 250 200 नशा के लिए किसी का जान तक ले सकते हैं। मैं ऐसा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आज मैं एक जगह गया था, वहाँ पे भाई भाई में लड़ा हो गया सिर्फ नशा को लेके। आज आप मिले थे, आपने कॉल किया बहुत अच्छा लगा, तो वही समस्या हल कर रहे थे, उनकी समस्या सुनी बहुत बुरा लगा। तो सबसे समस्या युवाओं का यहाँ पे नशा मुक्त करवाना है। अब एक सवाल और, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाइएगा? महिलाओं को सबसे पहले आगे इस टाइप से बढ़ाना है तो महिलाओं को सबसे पहले खुल के सामने आना पड़ेगा समाज में, उनको अपने हक और अधिकार के लिए बोलना होगा। महिलाएं समझती है क्या कि हम लोग महिला घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम लोग पुरुष से छोटा है, पुरुष के सामने हम लोग का अधिकार नहीं खड़ा होगा। ऐसा नहीं है, महिला का हक है, अधिकार है कि नजर से नजर मिला के पुरुष से बात करे, और अगर वो समाज में पिछड़ा है तो उसको ऊपर ले जाने का प्रयास रहेगा मेरा, और उनको जो अपने अधिकार और हक से वंचित है वो सबसे पहले यही प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। युवा प्रत्याशी का सोच बहुत अच्छा होता है। आप दोबारा से अपने दर्शक को बताएं आपका नाम क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या कितने पे है। सबसे पहले मैं सारे जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चुनाव ये एक बार होता है साल 5 साल में, ठीक ना, कैंडिडेट ऐसा चुनिए कि जो आपके दरवाजे पे 5 साल में 5 साल हर साल आए और बेटा की तरह सहयोग दे। ऐसा कैंडिडेट नहीं चुने जो अभी आ रहे हाथ जोड़ के कि हमें वोट दीजिए, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, फिर जीतने का तो 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। इसलिए मेरा नाम राम कुमार यादव हुआ, मेरा चुनाव चिन्ह मोर छापा है 7 नंबर क्रम संख्या वार्ड पार्षद 13 नंबर वार्ड। बहुत अच्छी बात, आपने देखा जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं उनकी सोच जो है एकदम स्वच्छ है। इनका कहना सबसे पहला है कि नशा मुक्त समाज बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाने के बाद महिलाओं के लिए को भी आगे बढ़ाएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। सबसे कम उम्र के युवा हैं, मतलब प्रत्याशी हैं, और बहुत कम ही उम्र है और कम उम्र में ये राजनीति में आए हैं। देखते हैं जनता इनको कितना समर्थन कर पाती है, क्योंकि इनको इनके पिताजी का आशीर्वाद मिल चुका है और ये घर घर घूम रहे हैं, नेता नहीं बेटा बनकर बात करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है और कहां तक समर्थन कर पाती है, क्योंकि जनता मालिक है। फिलहाल बने रहे कलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।